बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फ़िलहाल क्या हाल आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? रऊफ फ़ज़ल अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो दोस्तों। जिस पर तक कि पुण्य फ्रेश अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट शाया की गई ओमान की, आप लोग देख सकते हैं। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हाल ही में जो स्वीडन के अंदर वाक़ हुआ, कुरान मजीद के सफ़े वगैरह जलाए गए, उसकी बेहरमती की गई, इसकी ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से शदीद मजम्मत की गई। आप लोग देख सकते हैं वजारत खारजा की तरफ से ओमान की बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई है, बहुत ही हाई लेवल पर, कि जितने भी दुनिया के अंदर मजाहब है उनका एहतराम करना लाजमी है, हम मुसलमान हैं और हमारे मजहब के ऊपर कोई इस तरह उंगलियाँ उठाए ये बहुत गलत बात है, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। तो इस चैनल के थ्रू हम भी इस वाक़े की बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस्लाम की खैर करे, इस्लाम की हफाजत फरमाए, आमीन इंशाल्लाह। ठीक हो गया, आप बात करते हैं दीगर ख़बरों के हवाले से, बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के हवाले से। जैसे आप लोग जानते हैं कि 2 महीने कबल एक वाक़या हुआ, श्रीलंकन शहरी को हलाक कर दिया गया सियालकोट के अंदर। तो भाई इस हवाले से पाकिस्तान की अदालत की तरफ से बहुत ही अच्छा एक फ़ैसला आया, आप लोग देख सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट शाया की गई है इसके मुताबिक ये तस्दीक की गई है कि 6 लोगों को इसके अंदर फांसी की सज़ा दी गई है और इसके अलावा 67 लोगों को 2 साल तक की जेल और जुर्माने भी दिए गए। जी हाँ, जैसे आप लोग जानते हैं कि एक श्रीलंकन शहरी को बहुत ही बेदर्दी से हलाक कर दिया गया था, तो उसके हवाले से अभी पाकिस्तान की अदालत की तरफ से ये फैसला आया कि 6 लोगों को उसमें फांसी की सज़ा और 67 लोगों को जेल और जुर्माने हुए। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को हदायत दे कि वो इस तरह के काम ना करें, बाद में उनको इस तरह भुगतना पड़े। बात करते हैं ओमान के कोरोना केसेस के हवाले से, पिछले 24 घंटों के केसेस बताए गए हैं और इसकी मुकम्मल तफसीलात क्या है आप लोग देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान ओमान के अंदर 31 नए मामले आए हैं कोरोना के। टोटल आप लोग देख सकते हैं 3,88,922 पर्सनस को हो गया कोरोना वायरस। रिकवरीज अच्छी है 27 पर्सनस की। टोटल आप लोग देख सकते हैं 3,84,002 पर्सनस की ओमान के अंदर रिकवरीज हो चुकी है, किसी पर्सन की डेथ नहीं हुई। सेम डेथ से 4,257 पर्सन की। 6 मरीज़ ऐसे जो कि पिछले 24 घंटों के दौरान हॉस्पिटलाइज किए गए हैं। 36 मरीज़ ऐसे जो कि ओमान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर हॉस्पिटलाइज हैं और 7 मरीज़ ऐसे जो कि ICU में दाखिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह केसेस थमे हुए, रिकवरीज अच्छी है, लेकिन हॉस्पिटलाइज पर्सन अभी भी, तो अपनी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। जो रूल्स है अभी तक के मुताबिक मिनिस्ट्री की तरफ से वो यही है कि कहीं गैदरिंग वगैरह करते हैं तो मास्क, सोशल डिस्टेंस अभी भी बरकरार रखें, अपने आप को इस वायरस से बचाएं और दूसरों को ये वायरस होने से बचाएं। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी और इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। रऊफ फ़ज़ल अज़ीम को दीजिए इजाज़त, हंसते बसते रहे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।